ए मोंटू, मैं तुझसे इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। और मैं तुझे इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा मानव। तू कुछ नहीं कर पाएगा, अब मैं भी घर में ही हूँ। हाँ, तू घर पे तो आ गए, लेकिन फिर भी तू अपना बर्थडे नहीं मना पाएगा। तूने सिर्फ बल्लू लल्लू को यकीन दिलाया है, लेकिन घर वाले कभी तेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, और ना ही मैं उन्हें करने दूंगा। मैं तेरी बर्थडे पार्टी पूरी तरीके से खराब कर दूंगा, और उसकी शुरुआत आज रात को मैं तेरी बर्थडे पार्टी का केक काट के और खा के करूंगा। मैं देख मोंटू, तूने जो भी मुझे बोला है ना, वो मैं घर में सबको बता दूंगा। अच्छा, बता दे, लेकिन घर वाले किस पे यकीन करेंगे? उनके प्यारे मानव पे या शैतान मोंटू पे? लोडू बड़ू बचा, ये अदल बदल यंत्र तैयार हो गया है। अब तुम दोनों भी अदल बदल होने के लिए तैयार हो जाओ। घूम रही है पृथ्वी जैसे पल पल, बदल जाए फिर से डूबा डूबा चार और डूबी डूबी, आपस में अदल बदल से बदल अदल। डूबी डूबी, हाँ डूबा डूबा चार। अच्छा हुआ मुझे डूबी डूबी के शरीर से छुटकारा तो मिला। चलो शुक्र है। अरे हो क्यों हंस रहे हो तुम? हो क्यों हंस रहे हो तुम? क्योंकि तुम्हारे सर पे है सिंह। और तुम्हारे भी। नटखट परी, करना था हमें बदल अदल, ना कि बिगाड़नी थी हमारी शक्ल। लगता है इस यंत्र में फिर से कोई ना कोई गड़बड़ हो गई है। नटखट परी फंस गई। नटखट परी, बन गया ये मिट्टी वाला केक और लग गया इस पे कीचड़। वाह बल्लू लल्लू, सॉल सॉल सॉल, पर वाह वाह बल्लू लल्लू, एकदम सेम टू सेम दिखने वाला केक बनाया तूने। तो खा लो ये केक। छी, ये कीचड़ और मिट्टी वाला केक है। जो खाएगा मोंटू या फिर मानो जो बन गया है मोंटू, या फिर मोंटू जो बन गया है मानो। अरे जाने दो ना, खाके ये मिट्टी वाला केक आएगा उसे धूल चाटने वाली कहावत की याद। खाने के बाद मिट्टी वाला केक पिएगा वो पानी। फिर क्या फायदा बोलू? अरे नहीं है ये पानी, है ये नीम और मिर्ची का जूस, जिसे पीने के बाद लगेगा उसे जोरदार झटका और करेगा वो थू थू थू। बल्लू, ये पानी पीने के बाद वो जरूर कुछ मीठा खाएगा। है उसका भी इलाज मेरे पास। खाएगा वो मीठा तो क्या खाएगा वो नमक और आएगा हमें मजा। मानव, अब तेरा बर्थडे केक खराब होने वाला है।
होगा खराब तो तेरा मुंह। मुंह खराब कर दिया। ये पानी तो केक से भी ज्यादा खड़वे। चीनी का चीनी किचड़ था क्या? शक्कर की जगह नमक खाया? पानी कड़वा था ना? अच्छा फंसाने की कोशिश की तुम दोनों ने। लेकिन अब मैं नहीं फंसूंगा, तू फंसेगा और घर से बाहर भी जाएगा। मैं घर वालों को बताने जा रहा हूँ। ए मोंटू रुक जा, मोंटू रुक जा। किसे कहते हैं चिट भी मेरी पट भी मेरा। मोंटू मम्मी पापा दादाजी दादी मैं हैं, जल्दी आइए, देखिए मोंटू ने क्या कहा। क्या हुआ? मम्मी आपने जो मेरे लिए केक बनाया था ना, वो मोंटू ने पूरा खराब कर दिया। क्या? हाँ मैंने कहा था ना माँ, ये मोंटू कभी नहीं सुधरेगा। आप चलिए किचन में और खुद देख लीजिए कि इस मोंटू ने क्या किया है। अब इस चाबी के बगैर इस जादुई कैदखाने को खोलना नामुमकिन। यहाँ से बादल ना बाहर जा सकते हैं, ना कोई इन्हें यहाँ से ले जा सकता। तो बालवी, अगर तुम्हें बारिश के बादल चाहिए तो तुम्हें यहाँ आना होगा मेरे पास, इस पवंडर लोक में। क्योंकि ये चाबी सुरक्षित रहेगी यहाँ सिर्फ मेरे पास। नहीं बालजी, हम आपको बवंडर लोक जाने की आज्ञा नहीं दे सकते। इसमें बहुत बड़ा खतरा है। खतरा तो हमेशा ही बना रहेगा माँ। अपने बच्चों की आंखों में मेरे लिए उनका विश्वास नहीं देखा है माँ। वो इंतजार कर रहे हैं मेरा बारिश करवाने का। हम जानते हैं बालवीर, लेकिन तुम बवंडर से बिना लड़े वहां से बादल कैसे लाओगे? दिमाग से। मैं बवंडर परी के सामने आए बगैर उन बादलों को लेकर आऊंगा। बाउंडर परी सोच भी नहीं पाएगी मैं इस तरह उसके बाउंडर लुक में आऊंगा। माँ कृपा करके मुझे आज्ञा दे दीजिए, बच्चों की खुशी के बारे में सोचिए माँ। बालवीर हम भी तो बच्चों की खुशियों के बारे में ही सोच रहे हैं, और उनकी खुशियों के लिए तुम्हारा जीवित रहना बहुत जरूरी है। लेकिन ठीक है, आप बाउंडर लुक जाइए, लेकिन हमसे एक वादा कीजिए कि आप बवंडर परी से आमने सामने का युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि अपने दिमाग से ही उसे हरा कर यहाँ वापस आएंगे। माँ ये वादा है मेरा आपसे। बवंडर परी अब तुम्हारा वरदान ही तुम्हारी कमजोरी बनेगी। तुम वहां निश्चिंत बैठी रहोगी और मैं तुम्हारे नीचे से तुम्हारी जमीन गायब कर दूंगा और उन बादलों को छुड़ा कर ले जाऊंगा। क्या कहा है बेटा? देखिए बेटा, यहाँ तो कोई केक नहीं है।
पर मैंने मिट्टी वाले केक तो यहीं पर खाई थी। मतलब देखी थी। मानव बेटा, मैंने केक बनाकर फ्रिज में रखा था, ये देखो, ये रहा केक। ये केक यहाँ कैसे आ गया? और मैंने जो केक खाया था वो कहाँ गया? अरे, इसमें भी तो कड़वा और तीखा पानी था ना? ये दिखाता हूँ घर वालों को। ये देखिए। अच्छी है ना? मैंने तेरे लिए लाई थी। अरे दादी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे मिट्टी वाले केक खाने के बाद मोंटू ने इस सादे पानी में कड़वा और तीखा पानी डाल दिया था जिससे मेरा मुंह जल जाए, और उस शक्कर वाले डिब्बे में नमक डाल दिया था जिससे मेरा मुंह और कड़वा हो जाए। एक मिनट, एक काम करते, ये जो पानी है ना वो तेरे दादाजी को हम पेस्ट करवाते हैं, ठीक है? तो पता चल जाएगा कि पानी कैसा है। दादी, पेस्ट नहीं, टेस्ट। हाँ, वो वही टेम। मैं क्यों करूँ, तू टेस्ट। नहीं, घर में जो भी आता है पहले आप ही टेस्ट करते हो, तो ये भी आपको ही करना होगा। ठीक है। पानी तो ठीक है। अरे ये कैसे हो सकता है? अरे अरे, ये पानी अच्छा कैसे हो गया? क्या हुआ है मानव, तू ऐसा क्यों कर रहा है? अरे पापा, मैं सच बोल रहा हूँ, इस केक में मिट्टी थी, ये पानी कड़वा और तीखा था, और इस शक्कर वाले डिब्बे में नमक है। ठीक है, अभी चेक करेंगे तेरे दादाजी। हाँ। हाँ? है ना माँ? है ना? हाँ, हाँ। ये शक्कर ही है। बेटा मानव, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन दादाजी, मानव कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। तो बेटा, तुमने कोई बेड क्रीम देखा होगा? दादी, बेड क्रीम नहीं, बेड ड्रीम। हाँ, वो वही सेम। सॉरी मानव, मेरे वजह से तेरे बेड ड्रीम में तेरा बर्थडे खराब हुआ ना। बर्थडे तो तेरा खराब होगा और मैं ऐसा करके ही रहूंगा मानव, ये मेरा वादा है। ये आवाज कैसी है? कहीं ये भाईवीर का सरप्राइज तो नहीं ना मेरे लिए? सॉरी, मेरे लिए नहीं, मानव के लिए। मुझे आवाज से डर लगता है। चलिए ना माँ। चल मानव। बढ़िया सरप्राइज दिया बालवीर ने। हैप्पी बर्थडे मानव। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे।
दे बेटा। जन्मदिन मुबारक हो मानो। अरे हो तो मुद्दा सपने ही जन्मदिन पर। ये भी कोई जन्मदिन है बल्लू। देख उस पॉन्टू को सब प्यार कर रहे, उसे विश कर रहे, उससे गले मिल रहे। जिसका जन्मदिन है उसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। हूँ मैं जिम्मेदार तुम्हारी नासों का, लेकिन करता हूँ वादा तुमसे कि मनाओगे तुम ही अपना जन्मदिन, ना कि ये मोंटू। अरे मानव करो मत अपना दिल छोटा, बस करो वैसा कहता हूं मैं जैसा। पक्का? अरे पक्का ऐसा होगा ना? होगा ऐसा ही है, ये वादा डूबा बल्लू का। घर की याद आ रही है, चलो हम इसे अपने घर पे वापस भेज देते। अरे नहीं 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 नहीं, इसे नहीं है जरूरत घर छोड़ने की। मतलब है आपको पता कि इस साल इसके जन्मदिन पे चले गए थे इसके माता पिता विदेश, और नहीं मना पाया था ये अपना जन्मदिन। बस यही याद करके रो रहा है ये बार बार कि क्यों नहीं थे उसके जन्मदिन पे उसके माता पिता उसके साथ। मोंटू बेटा रोना बंद करो। हाँ तब हम नहीं थे तो क्या हो गया, अभी तो हम लोग सब हैं। हम तुम्हें विश कर देते हैं। हैप्पी बर्थडे। हाँ 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 भाई, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू बुल्लू, थैंक यू। अरे देर आए दुरुस्त आए, जन्मदिन की शुभकामनाएं। थैंक यू दादाजी। अरे अरे पैर क्या पड़ रहा है बेटा, गले लग, गले लग। अरे तुम्हारी दादी वो फटाकों के डर से रूम में बैठी है, चलो उसके भी आशीर्वाद ले लो। हाँ, हाँ, चलो चलो। मेहर क्या है, तुम मुझे विश नहीं करोगी? मेहर तूने मुझे अभी तक विश नहीं किया, जबकि हर साल सबसे पहले तू ही करती थी। Happy birthday to बर्थडे बॉय तो अभी भी सो रहा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो अपने बर्थडे पे हमेशा सुबह सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले आपके पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है। हाँ। क्या कर रहे हैं आप, आप भी डर रहे और मुझे भी डरा रहे हैं, आपके पैर छू रहा है। नहीं मैंने हमेशा मोंटू को किसी के पैर खींचते हुए देखा है ना, तो मुझे लगा पैर खींचते। भाई आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, खूब तरक्की करो, खूब फलो, खूब फूलो, खूब फलो, फूलो मत। जीते रहो बेटा। बेटा तुम तो कितने संस्कारी हो। आप ही के संस्कार है माँ। हाँ और ये देखो आपके संस्कारी आपके सपूत देखो अभी तक सो रहे, मैं उठाता हूँ। मानव मानव बेटा मानव, ओ मानव बेटा उठो, मानव 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 उठो, स्कूल जाने देर हो जाएगी। अरे मुझे बाद में उठाना, पहले जाके जूस लेके आ रहा हूँ। अभी लाया अभी लाया। अरे क्या अभी लाया, आप रामू है? नहीं मैं तो महेश हूँ। उसने आपको रामू कहा।
रामू कहा, मुझे रामू कहा। बोलते नींद में बड़बड़ा गया होगा। एक मिनट मैं उठाती हूँ। मानव बेटा देखो मम्मा आ रही है। हाँ, कौन था भाई? जाके ब्रश में फेस लगाओ, नहाने के लिए पानी गरम करो। मानव, तुमने अपनी मम्मा को कांता भाई कहा? और मुझे रामू। उठा जल्दी। रुकिए आप, उठाऊंगा मैं मानव को। है मेरे पास एक बहुत पुराना तरीका मानव को उठाने का। अरे ये कैसे तरीका है उठाने का? मैं पापा को कहकर सबको निकाल दूंगा। हाँ, मम्मी पापा आप कब आए? बेटा तू जब मुझे रामू और तेरी मम्मी को कांता भाई समझ के ऑर्डर फेंक रहा था तब। चल बेटा अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, तेरा बर्थडे है ना। नहा तो चुका है मानव, बस तैयार हो जा। वो पानी डाला ना। हैप्पी बर्थडे मानव। क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं मुझे ये मानव की बर्थडे पार्टी खराब करने के लिए। चाहती थी ना कि मैं उन बारिश के बादलों को लेने तुम्हारे बाउंडर लोक में आऊं, तो मैं आ रहा हूं तुम्हारे बाउंडर लोक में। मैं तुम्हारे सामने से उन बारिश के बादलों को ले जाऊंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहां आया था, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें अपनी शक्ति से नहीं अपने दिमाग से हराऊंगा। हे भटकाती परी, बुराई का सिक्का हमेशा होता है खोटा, इसलिए बाउंडर परी को ये पाठ सिखाने के लिए कर दे मुझे छोटा। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग। अरे वाह 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 बेटा, तुम्हारे माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए तुमको। सुबह सुबह भगवान के पैर छू रहे हो। दादाजी आशीर्वाद तो दीजिए। अरे आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। इना तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? दादाजी मैं समझाऊंगा। अच्छा वो बोल रहे। दादाजी हमें धमाका करने आए। धमाका? दादाजी आपके पास माचिस है? माचिस? माचिस क्यों? हमें धमाका करना है इस बॉम्ब को जला के। लेकिन तुम ये घर में बॉम्ब कैसे फोड़ सकते हो बेटा? भाई क्योंकि हमारे पापा जी कहते हैं कि हमारी एंट्री तो धमाकेदार होनी चाहिए, तो जब हम ये बॉम्ब फोड़ेंगे हमारी धमाकेदार एंट्री हो जाएगी। लेकिन तुम घर में बॉम्ब कैसे जला सकते हो? अजी सिंपल है। ओए ओए लो बाजी। ओए ऐसे रखा तेरी माचिस निकाला और ऐसे जला दिया। बम जल क्या हुआ?
चलने मिलने बेटा, तू अभी चिंता है? मानव ये ले तेरा सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट। अरे वाह, मेरी बर्थडे गिफ्ट। लो जितना हंसना है, लेकिन जब मैं बालवीर के ड्रेस पहन के तेरी बर्थडे केक काटूंगा ना, तब तुझे डबल रोना पड़ेगा, समझा? आ गया बालवीर। बालवीर नहीं, बादल। बारिश के बादल है कहाँ? वो दिखाई नहीं दे रहे, गए कहाँ? मुझे मालूम है कि बादल वहाँ पर नहीं। ओ, तो आखिर ले ही गया बारिश के बादल बालवीर, और आप कुछ नहीं कर पाए। मार के गया आपको चाटा, और आप कुछ नहीं कर पाए। अरे गिरा दिया आपको आपके मुंह के बल पर, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाई। बनने चली थी शातिर लोमड़ी, लेकिन निकली आप भी भीगी बिल्ली। दबा दबा। ये बवंडर लोक है, और यहां से कोई बादलों को चुरा नहीं सकता। ये असंभव है। यहां मेरी मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, समझ में आया? अरे लेकिन है नहीं बारिश के बादल वहाँ, क्योंकि मैंने उन्हें छुपा के रख दिया है। है छुपा के रखा अपने बारिश के बादलों को, लेकिन कहाँ? हाँ बॉन्डर परी, जल्दी बताओ वो बादल कहाँ छुपा है तुमने? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी तोबा तोबा, वरना बालवीर तुमसे उनकी जानकारी ले लेगा। अरे लेकिन बस ये समझ लो कि मैंने उन बादलों को ऐसी मायावी जगह पर रखा है जहां पर बालवीर कभी नहीं पहुंच सकता। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि कहां छुपा है बाउंडर परी ने उन्हें? बाउंडर परी, अब बादलों के पास मुझे तुम खुद लेकर जाओगे। भटकाती परी, बवंडर परी को देनी है थोड़ी अक्ल, बना दो मुझे बारिश का बादल। कहती थी हूँ मैं ना समझ, कहती थी मिलेगा नहीं बालवीर को एक भी बादल, तो फिर क्या ये बादल छोड़ दिया है अपने बालवीर को तोहफे में देने के लिए? ये कैसे हो सकता है? वाह, आज शाम को मानव बालवीर की ड्रेस में एकदम फूल लगेगा। दादी फूल नहीं कूल। हाँ वो वही सेम टू सेम। यहाँ तो कोई नहीं है, आवाज कहाँ से आई? अरे चाय बना रही हो या खुद ही बना लूं? ये भी ना, पहले इनको चाय दे देती हूँ, बाद में मानव को ड्रेस दे देती हूँ।
ये बल्लू दादी तो वो बाल बेच वाली ड्रेस उस मोंटू को देने वाली है। अब नहीं दे पाएगी वो मोंटू को। चलो अंदर मानो। बल्लू दादी बाहर है तो फिर हम अंदर क्यों जाए? हाँ बताएंगे हम दादी को कि ना दे वो मानव के लिए बनाए हुआ बालवीर के कपड़े मोंटू को, वो नहीं देगी है ना? हाँ ये सही रहेगा। बेवकूफ, क्यों मानेंगे वो तुम्हारी बात? क्योंकि उनके लिए मोंटू हो तुम, इसलिए चुरा लेनी चाहिए हमें बालवीर की पोशाक। फिर नहीं पहन पाएगा ये बालवीर का ड्रेस मोंटू। हाँ लेकिन बल्लू हम चोरी क्यों करें? चोरी करना पाप होता है ना? तुम हंस क्यों रहे? अरे नहीं सुनिए ना मोंटू के मुंह से इतनी अच्छी बात, इसलिए। पर मानो जो चीज बनी है तुम्हारे लिए उसे तो लेना चाहिए तुम्हें ही। तो फिर ये कैसी हुई चोरी? हाँ ठीक है आ जाओ तुम अंदर। हाँ रहने दो लेके आता हूँ मैं ही। हाँ हाँ छुपा दो इसी कमरे में। थैंक यू बल्लू। वाओ दादी ने बालवीर की ड्रेस एकदम सेम टू सेम बनाई है, अभी इसे ट्राई करता हूँ मैं। मोंटू मुझे पता था कि तू मानव की बर्थडे पार्टी खराब करने की कोशिश जरूर करेगा। नहीं मैं, तू गलत समझ रही है। मैं गलत समझ रही हूँ? तू ये ड्रेस पहनने की कोशिश इसलिए कर रहा था ताकि ये फट जाए और मानव इसे पहन ना सके, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अभी जाकर ये कबर्ड में लॉक करवा के आती हूँ। मैं सुनना मैं मेहर अरे ये क्या मानव के ड्रेस के साथ तुम क्या कर रही हो? अच्छा वो छोड़ो, एक काम करो ना मेरे साथ किचन में चलो, मैंने शाम के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज बनाई है, मुझे टेस्ट करके बताना कि कैसी है। माँ पहले ये ड्रेस मैं दादी को दे के आऊँ? अब दादी एक मिनट, बल्लू बेटा ये ड्रेस दादी को दे देना, मुझे मेहर से काम है। उन्हीं से तो लेकर आया हूँ मैं। दे दूँ। हाँ चलो बेटा। बच गए बल्लू, वरना मैं जाकर ये ड्रेस दादी को दी थी और दादी उस मोंटू को। चल छुपा देते इन कपड़ों को दादी के कमरे में अलमारी के ऊपर, कोई नहीं ढूंढ पाएगा इधर उन्हें। चल 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 चल। ये एक बादल कैसे रह गया? ये असंभव है। अरे होगा ये आवारा बादल दीवाना जो घूम रहा है बाहर। ए आवारा बादल चल हो जा दीवाना, फिर जा अपनी जगह वापस, नहीं तो ये परी बवंडर निकाल देगी तुम्हारा दीवाना। फिर लग गया ये जोर का झटका मुझे। तुम इसी के लायक हो तौबा तौबा, अब चुपचाप यहाँ रहो, मैं इस एक बादल को बाकी के सारे बादलों के साथ कैद करके आती हूँ। बवंडर परी तुम मुझे बादलों के पास नहीं बल्कि मेरी जीत की तरफ ले जा रही हो। संभाल के मानो। यही है सही जगह, छुपा देता इन कपड़ों को यहाँ। मानव के कपड़े कहाँ गए? यहाँ तो रखे थे, कहाँ गए? मिल गए। दादी आप यहाँ? मेरी ड्रेस? हाँ मतलब मानो की ड्रेस यहाँ? पता नहीं, देखो ना मैंने भी अंदर रखी थी कबाट में, ऊपर कैसे चली गई? ये बहू भी ना? बहू नहीं, हमने नहीं देखी है ना ये ड्रेस, इसलिए देखना चाहते हैं हम ये ड्रेस। हाँ हाँ तो देख लो, अब भी मानव को पहना के दिखाती हूँ।
माना। हाँ दादी। बेटा मानव, कौन है जो इतने सुबह सुबह चिल्ला? दादी आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, ये देख तेरी बालवीर जैसी ड्रेस बर्थडे के लिए तैयार हो गई है ना, एकदम सेम टू सेम। बहुत अच्छी है दादी, है ना? हाँ। चल एक काम कर, इसे फ्राई कर। दादी फ्राई नहीं, ट्राई। हाँ वो वही सेम टू सेम। हाँ हाँ ट्राई। दादी मैं अभी कमरे में जाकर इसे चेंज करके आता। ये तो सारा प्लान उल्टा पड़ गया, जो ड्रेस मोंटू शाम को पहनने वाला था वो अभी पहन रहा है। भूल गए थे हम, देर हो रही है हमें, हमें आ रहे पाठशाला में जाने में। हाँ, हाँ। नहीं हमारे पास ज्यादा समय है। हाँ। इसलिए मानो पहन लेना तुम ये ड्रेस सीधा शाम को ही। हाँ, हाँ। हाँ। बेटा अब बर्थडे के दिन स्कूल देर से नहीं जाते। हाँ अरे पर दादी मैं इसे 2 मिनट में पहनूंगा। हाँ अगर वो 2 मिनट में लेट तो डांट पड़ेगी तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पे। हाँ हाँ बेटा जन्मदिन के दिन डांट नहीं खाते। अरे पर दादी स्कूल जा, बेटा स्कूल जा। बेटा तू चाहे कितने भी पापड़ बेल ले, लेकिन तेरी दादी का बनाया हुआ बाल ड्रेस मैं पहनूंगा, तेरा बर्थडे केक भी मैं काटूंगा और सारे सेलिब्रेशंस मैं करूंगा। करो मत चिंता तुम मानो, देखता हूँ मैं भी कैसे बिगाड़ता है ये मोंटू तुम्हारा जन्मदिन। अचानक से मानव इतना खाने कैसे लगा है? हमेशा इसे भूख लगी रहती है। है मुझे लगता है कि बदल गया है मानव। ए लल्लू तू चुप रह। और मैं देख रही हूँ कि तू मोंटू की बड़ी तरफदारी कर रहा है। अगर तूने मोंटू की और तरफदारी की ना तो मैं तुझे ये देख इधर तो सब उल्टा हो रहा है। देख देख चूहा राजा बना हुआ है और हाथी नौकर। यार देख मोंटू बॉस कैसे मानो को बैग उठा के जा रहे और मेरे से मुक्का भी खा रहे। केवल हमारे दिन बहुत खराब आने वाले हैं यार। अरे खराब दिन आने वाले नहीं है, हाँ गए हैं। कल मैंने पैसे दे के बर्गर खाया और सोच वो बात मेरे पेट को हजम नहीं हुई और मेरा पेट गड़बड़ा गया। कुछ करना होगा यार। एक काम करते मानो को बर्थडे विश करते। हैप्पी बर्थडे मानव। चल बे लल्लू। मानव वो तुझे विश कर रहा था और तूने उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया? तो क्या करूं, उन्हें गिफ्ट बांटूं, थैंक यू कहूं, पार्टी दूं? मानव तू ये क्या बोल रहा है? देख कंट्रोल मोंटू कंट्रोल, तुझे मानो के केक काटने तक खुद को ऐसे ही कंट्रोल करना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे मानव। थैंक यू। केवल ये देख मानो तो अपना बर्थडे एकदम मजे से मना रहा है। हाँ यार पर हमने मुझसे वादा किया था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, इसलिए हमें कुछ करना होगा और इसलिए ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। थैंक यू। अबे तेरे लिए नहीं, ये मानव के लिए। चल चल थैंक यू। हैप्पी बर्थडे मानव। मानव मैं क्लास में जा रही हूँ, तू भी आ जाना। मानव वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू।
ये मुझे दे दे। और ये तू ले ले, मेरा बर्थडे गिफ्ट। मेरे लिए तो कभी आठाने की चॉकलेट भी नहीं लाए, और मानव के लिए इतना बड़ा गिफ्ट। हस, अब खुश हो ना? कोई बात नहीं, अब अभी खुश नहीं है ना, अब हो जाओगे। देख, मुझे गिफ्ट मिला है मेरी बर्थडे पे। खोलो खोलो। रोहित के भाई, अरे हो तुम अभी उदास? हंसो, अच्छा हुआ नहीं मिला तुम्हें ये तोहफा, वरना हो जाती तुम्हारी भी नाक लाल। कैसे खुश हूँ मैं बल्लू, बता तू ही, मेरी जगह वो मोंटू चॉकलेट बांटेगा, सब बच्चे उसे विश करेंगे, और मेरी प्यारी बहन मैंने मुझे अभी तक विश भी नहीं किया है, और मैं खुश हूँ। करो मत तुम चिंता मोंटू, अब मैं करूँगा ऐसा कि सब बच्चे देंगे तुम्हें ही बधाई, और तुम ही बांटोगे सबको तुम्हारे बर्थडे की चॉकलेट। कैसे? आखिर तुमने मुझे मेरी मंजिल तक खुद ही पहुंचा दिया बाउंडर परी। बच्चों, आज मानव का बर्थडे है और मानव सबको चॉकलेट्स बांटना चाहता है। चलो मानव, जल्दी से चॉकलेट्स बांटना शुरू करो बेटा। ये बल्लू देख, आज चॉकलेट मोंटू ही बांटेगा। नहीं बांटेगा। उसे खोलना मत, वरना तुझे पंच पड़ेगा। पंच पड़ेगा मोंटू को, नहीं तुम्हें। सच्ची? हाँ सच्ची। मेहर, मुझे चॉकलेट्स नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रही है? मतलब वो तो बैग में ही थे ना, कहाँ चले गए? अरे मेहर, सच्ची में यहाँ नहीं है? एक मिनट, मैं चेक करती हूँ। नहीं मिलेगी चॉकलेट इसे, क्योंकि निकाल के मोंटू के बैग में से सारी चॉकलेट्स भर दी है मैंने इस डिब्बे में। बल्लू, ये गलत बात है। तो ठीक है, वापस कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, रहने दो। मेरे बैग में भी नहीं है। चॉकलेट्स मेरे पास है। सर, मैंने सारी चॉकलेट्स इस अच्छे दिखने वाले डिब्बे में डाल दी थी। वाह मोंटू, वाह, वेरी गुड। थैंक यू सर। ये लो। ये तो अपने बॉक्सिंग पंच वाला डिब्बा है। लगता है मोंटू वो सबके सामने मानो को मुक्का मारना चाहते हैं।
ये बल्लू और मानव ने पूरी क्लास के सामने मुझे पीटने का जो प्लान बनाया ना, से कभी पूरा नहीं होने दूंगा। देख अब मैं तुम्हारा ही पोपट करूंगा। अरे मानव तो क्या सोच रहा है, ले ले ना डिब्बा। हाँ ले ले मानव। नहीं मेहर, मैं चाहता हूँ कि मेरे तरफ से मोंटू ये सब चॉकलेट्स बांटे। लेकिन मानव बर्थडे तो तेरा है ना, ना कि मोंटू का। हाँ हाँ, पर मोंटू ने इतने प्यार से ये सारी चॉकलेट्स इस डिब्बे में डाली है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मोंटू ये सारी चॉकलेट्स बांटे। वेरी गुड मानव, वेरी गुड। लो मोंटू। खोलो खोलो, बटर चॉकलेट्स। हाँ चॉकलेट। इस मानव के बच्चे ने फिर से हरा दिया मुझे। हैप्पी बर्थडे मानव। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मानव ऐसा लग रहा है कि जैसे तेरा बर्थडे नहीं, उस मोंटू का बर्थडे। तुझे का तो बर्थडे है क्या? कुछ नहीं। Happy birthday Manav, happy birthday Manav। Happy birthday Manav। खुश रहो बालवीर, खुश रहो, खुश रहो। कहो बालवीर, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं आप सबको बाउंडर परी के कैसे आजाद कराने आया, ताकि आप लोग पृथ्वी लोक पे खुशियों की बारिश कर सको। लेकिन कैसे बालवीर, हमारा यहाँ से निकलना असंभव है, और अब तो तुम भी हमारी तरह कैद हो गए हो। अगर तुमने इस मायावी कैद खाने के द्वार को बिना इसकी चाबी से खोले हमें बाहर ले जाने की कोशिश की, तो हम इस कैद खाने से बाहर निकलते ही बरस जाएंगे। अगर बादल यहीं बरस गए तो पृथ्वी लोक में बारिश कैसे करेंगे? इसीलिए तुम्हें कैसे भी बवंडर परी से इस कैद खाने की चाबी लानी होगी बालवीर। तो ठीक है बादल, मैं जल्दी ही चाबी लेकर लौटूंगा। संभालो बालवीर। बवंडर परी ने बवंडर लोक में कदम कदम पर खतरनाक जाल बिछाया हुआ है। इस कैद खाने की दीवारों से निकलना संभव नहीं है। बच्चों की खुशी के लिए मैं असंभव को भी संभव कर सकता हूँ। इन सड़कों में बिजली दौड़ रही, पर इस ताले में नहीं। रेत बनकर निकलता हूँ इस ताले से। Thank you.
बादलो, मैं जल्दी आप सबको यहाँ से आजाद कराऊंगा, ये वादा है बालवीर का आपसे। महक सही कहती है, मेरे चेहरे पे रोना बिल्कुल शोभा नहीं देता। हस 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 हस। वो क्या है ना, तू मोंटू है पर चेहरा तो मेरा है ना। अरे तेरी तो तुझे मैंने हंसने के लिए कहा है, गुस्सा करने के लिए नहीं। और तेरा जो रोना है ना वो थोड़ा संभाल के रख। वो क्या, स्कूल में तो चॉकलेट्स मैंने ही बांटे और घर पे जो केक है वो भी मैं ही काटूंगा। तुझे मैं मेरी बर्थडे पार्टी खराब नहीं करने दूंगा, ये मेरा चैलेंज है। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हैं ना, अब भी बताता हूँ तुझे। रहने दे मानव। रहने दे मानव, इससे अच्छे होने की उम्मीद करना ही बेकार। सॉरी। मोंटू तूने क्या कहा था, बोल मुझे। मैं जो समझ रही है ना वो गलत है। मैं सही समझ रही हूँ मोंटू, मैंने सब सुन लिया है। तू अच्छे होने की एक्टिंग इसलिए कर रहा था ताकि तू मानव के बर्थडे पार्टी खराब कर सके, है ना। सुना ना तूने, मैं मोंटू ने मुझे चैलेंज किया कि वो मेरी बर्थडे पार्टी खराब करेगा। तू टेंशन मत ले, हम मोंटू को तेरी बर्थडे पार्टी बिल्कुल खराब नहीं करने देंगे। कैसे, बड़ी सिंपल सी तो बात है, हम तेरी बर्थडे पार्टी कल सेलिब्रेट करेंगे। फिर आज मोंटू तेरी बर्थडे पार्टी कैसे खराब कर सकता है, बोल बोल। वाह वाह बाजी वाह। अब पुकी एक बार फिर तूने अपने दिमाग से सबकी बोलती बंद कर दी है। ओ बल्ले बल्ले ओ शाओ शाओ, ओ बल्ले बल्ले ओ शाओ शाओ। मैं, तू मेरी बात सुनना प्लीज। मैं अब मैं नहीं, बालवीर ही सब कुछ सुनेगा। हाँ हाँ हाँ, बुला बालवीर को। मैं बुला, बालवीर आएगा ना तो वो सब ठीक कर देगा, बुला। मैं भूल गए क्या कहा था मैंने, अगर आ गया बालवीर तो मोंटू समझ के दे देगा तुम्हें सजा। मैं प्लीज मत बुला बालवीर को प्लीज। नहीं मैं बुलाऊंगी बालवीर को। नहीं नहीं नहीं, बालवीर आएगा तो मेरी पोल खुल जाएगी। मेहर रहने देना, इतनी छोटी सी तो बात है, इसके लिए हम बालवीर को क्यों बुलाए, है ना। लेकिन मानव तेरी बर्थडे पार्टी मेरे लिए छोटी बात नहीं है। मेहर हम सब मिलके इसे संभालेंगे, है ना, संभालेंगे ना। हाँ संभालेंगे पाजी। पक्का ना मानव। हाँ हाँ 100% पक्का। ठीक है लेकिन मैं इस मोटे गेंडे शैतान और घमंडी मोंटू को अपने घर में नहीं आने दूंगी। कैसे, अरे मानव कैसे मतलब, तू भूल गया बालवीर की दी हुई इच्छा चक्री। तू उससे ऐसे विश मांग कि ये मोंटू तेरे बर्थडे पार्टी में है क्या, हमारे घर पे भी नहीं घुस पाएगा। अच्छा हमारे पास ऐसी इच्छा चक्री है मानव। अरे ये तो मैं भूल ही गया था, पर हमने रखे कहाँ है। बैग में जा टिफिन रखते हैं ना वहाँ। तुझे कैसे पता। रहने देना महर। मोंटू हमारे घर के अंदर आ ही ना पाए, अगर वो आने की कोशिश करे तो उसे जोरदार गुदगुदियो। अब आया मजा मनो, अब तू अपने ही घर के बाहर रहेगा और मैं तेरा बर्थडे मनाऊंगा। मामा 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 मामा
अब आकर दिखा घर में मोंटू, अब खराब करके दिखा मेरी पार्टी। क्या वो मोंटू घर में नहीं आना? बेचारा मोंटू, अब ना घर ना बर्थडे पार्टी कहीं भी नहीं आ पाएगा। मैं कहा था ना तुझे कि तू मानव की बर्थडे पार्टी कभी खराब नहीं कर पाएगा। मेहर, तू मुझे पहचान नहीं पा रही है। तूने मुझे अभी तक हैप्पी बर्थडे भी विश नहीं किया है, तो मेरा बर्थडे तो वैसे ही खराब हो गया है। हमेशा एक साथ रहने वाले भाई बहन को ऐसा देख के बहुत मजा आ रहा है। बड़े आए थे मोंटू से टकराने।